Assalamu alaikum students. Now we are going to study the question number 7 of One Act Play Smoke Screens. That is, Primrose is a child of a broken family. Discuss. Broken family, ek toota hua khandan jahan husband aur wife mein talaq ho jati hai, khandan bikhar jata hai, toot jata hai. To phir unke jo bacche hote hain, unko unki kya halat hoti hai, unka kya क्या बिहेवियर होता है, दे बिकेम ऑब्स्टिनेट, ठीक है, तो वो किस तरह से होते हैं. तो इसी तरह, क्योंकि प्रिमरोज वाज आल्सो अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन फैमिली, क्योंकि उसके मदर और फादर की भी डाइवोर्स हो चुकी है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि डिस्कस प्रिमरोज एज अ चाइल्ड ऑफ ब्रोकन फैमिली. नो डाउट प्रिमरोज इज़ अ चाइल्ड ऑफ ब्रोकन फैमिली, कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बिखरे हुए ख़ानदान की बच्ची है. द चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन फैमिली इज़ यूजुअली स्पॉइल्ड. इस तरह के ख़ानदान, बिखरे हुए ख़ानदान जहां हस्बैंड और वाइफ में तलाक हो जाती है, बच्चों का ख्याल पूरी तरीके से नहीं रखा जाता, तो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं. एंड यस rude and disrespectful to his elders and does whatever he likes. ये एक बच्चे के बारे में है कि ऐसा बच्चा जो broken family में से होता है, वो बिल्कुल rude हो जाता है, उसका सख्त लहजा हो जाता है, वो दूसरों की इज्जत नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, और जो इसका दिल करता है वही काम वो करता है. When we read the play Smoke Screens carefully, we find that Primrose is just like that. अभी पहले जो पैराग्राफ है ये छोटा सा, इसमें ये बताया गया है कि एक ब्रोकन फैमिली का जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, उसकी क्या हालत होती है, वो किस तरह से बिगड़ जाता है. तो इसी तरह जब हम स्मोक स्क्रीन प्ले को स्टडी करते हैं, तो फाइंड प्रिमरोज एज अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन फैमिली, तो प्रिमरोज भी बिल्कुल ऐसे ही बच्चे की तरह है. शी गोज़ आउट एट नाइट वियरिंग लिपस्टिक एंड स्मोक सिगरेट्स. वो बिल्कुल मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, ही पाउडर्स हर फेस एंड शी गोज़ आउट टू द नाइट क्लब्स एट नाइट. नाइट रात को नाइट क्लब्स में चली जाती. शी आल्सो स्मोक सिगरेट, कि स्मोकिंग सिगरेट जो है इट्स अ बैड हैबिट, तो वो इस बुरी आदत में ही पड़ जाती है. शी प्रोबेबली गोज़ टू नाइट क्लब्स दैट आर वेरी बैड प्लेसेस. नाइट क्लब कंसीडर्स एज अ बैड प्लेस, ठीक है, रात के जो नाइट क्लब होते हैं उनको बुरा समझा जाता है, तो वो नाइट क्लब्स में भी जाती है. शी इज़ रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल टू हर एल्डर्स, वो अपने बड़ों की इज्जत भी नहीं करती, उनसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती. व्हेन आंट सुसन हाइड्स हर हैंडबैग, जब आप प्ले में देखते हैं कि आंट सुसन उसका हैंडबैग छुपा लेती है, शी टॉक्स टू हर रूडली, वो बुरे तरीके के साथ उससे बात करती है. शी थ्रेटन्स हर दैट शी विल स्पिल हर ऑन द ग्राउंड इफ शी डजंट गिव हर द हैंडबैग, तो वो उसको उल्टा धमकी देती है कि वो उसको ज़मीन के ऊपर गिरा देगी अगर उसने उसका हैंडबैग वापस ना किया. तो ये आप देख लें कि एक बड़ों से बात करने का ये तरीका नहीं है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट इस तरह से नहीं की जाती. एंड शी डजंट लिसन टू हर आंट एंड गोज़ आउट, क्योंकि उसकी आंट है, उसकी बड़ी है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती. व्हेन शी टॉक्स टू हर मदर शी कॉल्स हर बाय हर नेम. दूसरा उसका बुरा बिहेवियर क्या है कि जब वो अपनी माँ से बात करती है तो उसको नाम से बुलाती है, ठीक है. इखलाकियात में देखें तो हमारे यहाँ भी आप लोग देखें तो माँ और बाप को नाम से कभी नहीं बुलाया जाता, तो ये भी एक डिसरिस्पेक्टफुलनेस की एक निशानी है. वी सी दैट प्रिमरोज डज व्हाट शी लाइक्स, तो उसका जो दिल करता है वो वही करती है. वंस व्हेन शी डिसाइड्स टू गो आउट शी डजंट लिसन टू हर आंट एंड मदर, जब वो फैसला कर लेती है कि उसने बाहर जाना है तो ना वो अपनी माँ की सुनती है ना अपनी आंट की सुनती है. शी डज नॉट गिव अप स्मोकिंग इन स्पाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ हर आंट, उसकी आंट जो उसको बार बार नसीहत करती है कि ये स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्मोकिंग नहीं छोड़ती. सिमिलरली व्हेन शी डिसाइड्स टू मैरी एन अगली मैन शी डजंट लिसन टू हर मदर हु डजंट लाइक हर डिसीजन. At the end of the play क्या होता है, she decide to marry an ugly man, ugly John, कि वो एक बदसूरत आदमी के साथ शादी करने का फ़ैसला करती है, but her mother was not with her,
कि उसकी माँ जो है वो भी उसके डिसीजन को लाइक नहीं करती, शी डजंट लाइक हर डिसीजन टू मैरी द अगली जॉन, लेकिन उसको ना अपनी आंट की परवाह है ना अपनी माँ की परवाह है। लूसी हर मदर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर हम इस सारी चीज़ को देखें कि उसके इस बिहेवियर का ज़िम्मेदार कौन है, तो उसकी माँ लूसी इस पूरे बिहेवियर की ज़िम्मेदार है। शी गिव्स ऑल हर टाइम एंड एनर्जीज टू हर बिजनेस। वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि उनका पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट भी यही था कि उसकी जो माँ है लूसी वो अपना सारा वक्त अपने कारोबार को देती है। शी निगलेक्ट्स हर डॉटर हु इज़ वेरी सोर अबाउट इट, कि वो अपनी जो डॉटर है बेटी है उसको इग्नोर करती है और वो उससे तंग आ चुकी है। प्रेमरोज सेज़ टू हर मदर अबाउट द टैक्सी कैब्स, दे मीन मोर टू यू देन आई डू, कि वो उन टैक्सी कैब्स के बारे में बात करती है कि उन टैक्सी कैब्स की मुझसे ज़्यादा अहमियत है तुम्हारे लिए। एट दिस लूसी सेज दे हैव देयर यूजेस, तो इस पे वो लूसी कहती है कि उनका एक अपना मकाम है, अपनी अहमियत है, वो उनका अपना इस्तेमाल है। लूसी टेल्स हर सिस्टर आई कुडंट बी अ डोमेस्टिक मदर टू माई डॉटर वाइल आई वॉज रनिंग अ बिजनेस। फिर वो ये बात एडमिट भी करती है, अपनी सिस्टर से कहती भी है कि मैं एक घरेलू माँ नहीं बन सकती, एक अच्छी माँ नहीं बन सकती अपनी बेटी के लिए, एक बिजनेस चलाने के साथ साथ, कारोबार करने के साथ साथ। प्रेमरोज सम्स अप ऑल दिस बाय टेलिंग हर ऑन दैट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली ईजी टू बी प्रेमरोज। प्रेमरोज ये सारी चीज़ों को बात कंक्लूड करती है कि प्रेमरोज होना या एक स्पॉयल चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन फैमिली होना ये कोई आसान बात नहीं है। एक्चुअली शी मीन्स टू से दैट शी इज़ लाइक दैट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ ब्रोकन फैमिली। वो ये सब बातें इसलिए कहती है कि एक प्रेमरोज होना आसान नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है कि एक बिखरी हुई फैमिली का बच्चा होना, एक बिखरी हुई फैमिली से ताल्लुक़ रखना कोई आसान काम नहीं है। वो उसके बिहेवियर पे भी असर डालता है, वो रूड हो जाती है, ऑब्स्टिनेट हो जाती है, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है। शी डोंट लिसन टू हर एल्डर्स, वो अपने बड़ों की भी बात नहीं सुनती है। शी आल्सो स्मोक्स सिगरेट्स, ठीक है। शी डू व्हाट शी लाइक, शी डज व्हाट शी लाइक, वो वही काम करती है जो उसको पसंद होता है। तो इस क्वेश्चन में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वी कैन प्रूव एट द एंड द डिस्कशन अबव कैन बी प्रूव दैट कि शी वॉज प्रेमरोज वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन फैमिली। स्टूडेंट्स इसको पढ़ें और इसकी रिटन प्रैक्टिस करें।